हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या सर ब्लॉग्स। तो गाइस, ऐसा करती हूँ कि आप सभी व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज हम आधार कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं भाई को बिठा के बाइक में। हम लोग का आधार कार्ड सेंटर जो उधर क्या बोलते हैं, हम लोग का बगान का उस साइड उधर में खुला है। तो गाइस, आज हम आप लोग को वो भी दिखाएगा कि उधर का व्यू भी दिखाएगा और कहाँ आधार कार्ड सेंटर है वो भी आपको दिखाएगा। तो गाइस, अभी जाइए आधार कार्ड बनाने, क्योंकि आधार कार्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना आधार कार्ड का मेरा अभी कुछ नहीं होने वाला। आधार कार्ड मेरा नहीं है, इसलिए मेरा राशन कार्ड से नाम भी काट दिया है। वैसे भी गाइस, कल को मेरा कॉलेज में एडमिशन है और उधर बोला है कि आधार कार्ड से, ये बोल के बिना आधार कार्ड का एडमिशन नहीं होगा। तो पता नहीं, अभी आज को जाना पड़ेगा। और गाइस, आधार कार्ड बिना वोटर कार्ड नहीं होगा, क्योंकि जब वोटर कार्ड बनाने जाता तो बोलते हैं कि पहले आधार कार्ड चाहिए। वैसे भी हम पहले बना चुके हैं, मतलब अप्लाई किया था, पर बहुत बार रिजेक्ट हो चुका है। और अभी कितना दिन से हम जा ही रहे बनाने, पर हो नहीं रहा है। तो आज को फिर जाके देखिएगा। और गाइस, हमको अगर हम अपना खुद का बाइक भी खरीदेगा तो लाइसेंस के लिए भी हमको आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड से ये सबसे हमको लाइसेंस बनाना नहीं मिलेगा। और अगर वोटर कार्ड नहीं होगा तो हम वोट भी नहीं दे पाएगा। तो पहले हम जब एडमिट पास नहीं हुआ था तभी अप्लाई कर दिया था, पर मेरा रिजेक्ट हो गया है। तो अभी जाके देखते हैं फिर होता है क्या। तो फिर दादी, अंकल, आंटी सबका है, पर घर में सिर्फ मेरा और भाई का नहीं है, हम लोग का ही रिजेक्ट हो गया। तो अभी जाएगा ये बैग में, हम अपना फाइल को डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, भाई का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर पूछा तो पापा का, इसको पापा का आधार कार्ड लेके जा रहे हैं। अगर मांगा तो ज़रूरत पड़ सकते हैं पापा को, मतलब उधर साइन चाहिए होगा तो फ़ोन करके पापा को बुला लेगा। तो अभी हमारे भाई जा रहे हैं फिलहाल। ओके, तो रेडी होना हो गया, अभी हम निकलते हैं। गाइस, अभी हमारे भाई निकल चुके हैं, जा रहे हैं अभी, और बाइक बाहर में खड़ा है। आप देख सकते हो इधर बाइक खड़ा है, तो भाई बैठेगा, अभी हम राइडिंग करके जाने वाले। तो कैमरा पकड़ो तुम। वो रहा उधर में आधार कार्ड बनाते वो सेंटर में, तो अभी जाके देखते हैं, पूछेगा आया कि नहीं उसको। तो भाई इधर में रुका हुआ है, हम पहले पूछ क्या ले रहे हैं। गाइस, इधर में खाली है, मतलब अब तो नहीं आ रहा। आज का आधार कार्ड नहीं बना रहे हैं? आधार कार्ड बना नहीं रहे थे? नहीं आएगा आज को। नहीं आएगा कब आएगा? फिर कल को आएगा। तो गाइस, अभी हम लोग को घूम के जाना पड़ रहा है, क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए आए नहीं, कल को आएगा शायद बोल रहे हैं घर में, तो अभी वापस से जाना पड़ेगा। तो गाइस, ये हम लोग का आधार कार्ड सेंटर, ये बोगापानी का हम लोग का ये फैक्ट्री के सामने है। आप देख सकते हैं, हम आप लोग को फैक्ट्री का व्यू दिखाया था। तो अभी वापस जाना पड़ेगा, वापस जा रहे हैं। Thank you.
जाते हैं लोग वापस घूम के जा रहे हैं। काफी तरह का हम लोग का टी गार्डन देख लीजिए। तो गाइस आज तो हम लोग का आधार कार्ड बनाना नहीं था, तो इतना दिन से हम लोग घूम के वापस जा रहे हैं, कितना दिन आया तो हुआ नहीं था। एंड आज को तो वो लोग भी जो आधार कार्ड बना तो वो नहीं आया, मतलब और कहीं इधर आधार कार्ड नहीं बना रहे हम लोग का। तो इधर ही सामने हम लोग का घर तो सामने है, मुझे कम से कम 3 किलोमीटर के सामने है, तो इसीलिए घर में आ गया था। कॉलेज में भी हम लोग आधार कार्ड चाहिए, तो कल को आना पड़ेगा मुझे साइड से, तो मिलेगा कि नहीं कल के लिए। तो गाइस आप इधर का हम लोग का ब्यूटीफुल तब तक टी गार्डन का नज़ारा देखिए जाते जाते। आधार कार्ड बनाना आया था तो नहीं हुआ, तो अभी भैया घर घुस ले रहे घर के सामने, तो इधर बाइक रख दिया भाई आगे चला के, तो हम चाह रहे भैया घर जा रहे हैं क्योंकि सामने अगर नहीं घुसेगा तो बुरा लगे। तो बाइक मैंने उधर पार्क कर दिया है और अभी जा रहे हैं लगे आगे आगे। तो गाइस भैया घर पहुंच गए हैं एंड ये प्यारा भैया का बेटा, कल को इसका पार्टी था, पार्टी दिया था बहुत मस्त से पार्टी किया। एंड अभी इधर सब लोग बैठा है क्योंकि देख रहे हैं। तो गाइस देखिए नहीं कितना प्यार से सोया है, जो काम किया था वो तो हुआ नहीं, पर एक अच्छा काम जरूर हो गया है, हम आपको दिखाएगा। हमको कुछ मिला है, रुके हम आपको घर घुस के दिखा रहे हैं क्या मिला हमको। गाइस आके हम ड्रेस चेंज कर लिया और जो हम लाया था आपको दिखा रहे हैं वो ये है कटहल जैकफ्रूट, इसका सब्जी भी बनाया जाता है एंड इसको बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। तो अभी गाइस एक काम नहीं होता क्या दूसरा काम हमको खाने के लिए तो मिल गया, तो गाइस अभी इसको हम फाड़ के, तो गाइस ये रहा कटहल, अभी हम इसको पहले फाड़ ले रहे हैं। तो गाइस अभी हम इस हाथ में तेल लगा लेगा क्योंकि इसमें जो बहुत चिपला चिपला लगा लिया है ताकि इसका जो गम है वो मेरा हाथ में चिपक ना जाए, और इसमें रखने के लिए सब देखते हैं तो पहले इसका डंठा जो निकाल देते हैं और हम आप लोग को काउंट करके बताएगा कि इसमें कितना सारा कटहल है। हम तो कौन सा बोलते हैं पीसेस, तो आप देख सकते हैं आपको नहीं दिख रहा होगा पर घर क्योंकि हम निकाल के दिखा रहे थे। एक एक ये गाइस पहला वन, तो गाइस अभी तो इसमें पता नहीं कितना निकलने वाला है पर हम अकेला खाने वाला है 10 पीस। गाइस ये शायद से लास्ट पीस देख लेता, देखिए हम इसको फाड़ के इसका सारा कस निकल दें एंड हमको सिर्फ मिला है 11। हम तो 10 खुद खाने वाला है हम आप लोगों को बोला, पर 10 अगर हम खुद खा देगा तो बचेगा सिर्फ एक एंड घर में मेरा दो दो भैया है जो बहुत बहुत खाता है और पापा है मम्मी है, अगर हम सारा 10 खा देगा तो फिर वो लोग क्या खाएगा। तो गाइस हम भैया को जो बोला कि हम 10 खा देगा बोल के, तो भैया गुस्सा होकर बाहर चला गया, मतलब घर के सामने एक पेड़ है तो उधर से वो कटहल लेके आएगा तो उसको ला लेगा, पर हम तो 10 का 10 खुद खाने वाला है सबसे पहले, तो उसके बाद हम तो जब तक ला रहे तो आप देखिए कटहल सामने से। तो गाइस भैया तो लाने गया है अपना, तो वो अपना लाके खाएगा तो हम तो खा ले रहे। दो पीस, एक पीस मम्मी को रख देगा, नहीं 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 दो पीस रख देगा, एक और कुर्बानी दे सकते हैं हम, तो खा के देखते हैं ना। तो गाइस मम्मी के लिए दो पीस बड़ा बड़ा हम साइड कर दिया है एंड हम खाने वाला है, खा के देख रहे हैं। मैं रोटी निकाल लिया एंड इसका जबड़ा तबड़ा सब निकाल ले रहे क्योंकि ये खाने से बीमार हो जाएगा हम। गाइस ये इतना बड़ा भी हम मुंह में घुसाने वाला है, खा के देखते हैं मीठा है या नहीं। तो गाइस मस्त खा लिया, बहुत मजा लगा, मेरा 9 पीस खा लिया, इसका गुटी से भी घर में रख दिया एंड अभी इसको हम फेंकने जा रहे हैं। तो गाइस जो जो कटहल खाता है जैकफ्रूट बताना किसको अच्छा लगता है किसको नहीं लगता है, पर इसका गुटी से हमें नहीं फेंकेगा, इन लोग को निकाल के हम इधर रख दिया, मम्मी ने फेंकने बना दिया क्योंकि इसका सब्जी खाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगते हैं, इन लोग को निकाल दे रहे हैं और अभी ये सब उधर फेंक के आ रहे हैं क्योंकि हम लोग का गाय सब है वो लोग खाएगा।